पहले 44, अब सिर्फ 15। बीजेपी की लिस्ट पर ट्वीट से जम्मू कश्मीर में 29 नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी संशोधित सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा की ये पहली सूची है, जिससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की एक सूची आज सुबह जारी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। नई संशोधित लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद होने जा रहे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट कई मायनों में चौंकाने वाली है। पार्टी सूत्रों की माने तो विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन के कारण कई पुरानी सीटें समाप्त हो गई हैं और पार्टी को नए समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा है। इनमें से एक दिग्गज नेता ने स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, लेकिन स्थानीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी अन्य नेताओं को आने वाली सूचियों में शामिल कर सकती है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जल्द ही जारी कर सकती है। दरअसल राज्य में पहले चरण के तहत विधानसभा की जिन 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 23 अगस्त की है। पहले चरण के तहत जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को हुई भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई गई थी। सोमवार को भी बीजेपी की एक अहम मीटिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य से पहले चरण के मतदान के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है। जम्मू कश्मीर में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रही भाजपा इस बार राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय मजबूत सीटों पर भी ज्यादा ध्यान देगी। भाजपा ने एक रणनीति के तहत ये तय किया कि पार्टी राज्य में 70 के लगभग विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्र, जिनमें ज्यादातर कश्मीर घाटी की सीटें होंगी, उस पर अच्छे और लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर 2 से 3 और जम्मू में 8 से 10 चुनावी रैलियां कर सकते हैं। हालांकि रैलियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है।